जहाँ पर जायदाद का बहुत मसला होता है या जहाँ पर पेरेंट्स की तरबियत में थोड़ी कमी रह जाती है कि वो फर्क करते हैं कि बेटा बेटी में जज्बाती जो उनका एक दूसरे के साथ प्यार था ये डिस्कस कर लेते हैं। फिर ये छोटे भाई हैं। अच्छा। अभी मेरी रिसेंटली MBBS कंप्लीट हुई है। ओके। तो ये अभी थर्ड ईयर में। अच्छा, तो ये आपको देख कर डॉक्टर बन रहे हैं या? बिल्कुल, फैमिली में सबसे पहले तो अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी कि हम डॉक्टर बने। अब्बू को बहुत शौक था कि हम डॉक्टर बने। अपनी ख्वाहिश भी थी? अपनी ख्वाहिश भी थी। ओके। लेकिन अब्बू की ज़्यादा थी। ओके। तो फिर अब्बू ने हिम्मत की तो उन्होंने एडमिशन करवाया, क्योंकि हमारा इलाका एक ऐसा है कि वहाँ पर एजुकेशन की तरफ कोई नहीं जाता, लोअर पंजाब है। तो आप क्यों डॉक्टर बन रहे हैं? पहले तो मेरा अपना ख्वाब भी था क्या, फिर डॉक्टर बनना। फिर भाई का एडमिशन हुआ तो मेरा शौक़ और बढ़ गया, क्योंकि इस तरह है कि भाई की हमेशा ही चाहे मैट्रिक हो FSC हो, तो इस तरह भाई की हमेशा एक फर्स्ट मैन आर्मी की तरह आगे जा रहे हैं, तो उन्हीं की तरह ही मेरी ख्वाहिश थी कि जैसे जैसे भाई जा रहे हैं। और आपने भी यानी आप अपने वालिद की ख्वाहिश पर डॉक्टर बने, फिर आपकी भी ख्वाहिश शामिल हो। हाँ जी, ठीक है, आप अपने भाई की वजह से डॉक्टर बन रहे हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको डैड आपके वालिद साहब ने नहीं कहा कि बेटा तुमने भी डॉक्टरी बनना है? उन्होंने भी बोला था। उन्होंने भी बोला? जी ज़रूर। और अभी आप जो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे, मुझे अम्मी अब्बू से एक हमेशा गिला रहता है कि उन्हें भाई से ज़्यादा प्यार है। हाय साहिबा, ये क्या चक्कर है? पहले बच्चे से और आखिरी बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार है, बीच वाले बस उनके साथ बस पूरा ही प्यार है। मतलब वो पेरेंट्स जो ये चाहते हैं नहीं हमारा बच्चा तो डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, वकील ही बने, नहीं जी भेजना है फौज में ही भेजना है, उसको पुलिस वाला ही बनाना है, ठीक है करें, बच्चे की मर्जी ज़रूर शामिल है। वो बच्चा जिसका दिमाग चले सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ, उसको आप डाल दें जनाब नहीं आपने तो मेडिकल ही करना है, तो फिर उसके असरात क्या होंगे? डॉक्टर बन रही हैं आप? जी। किसके कहने पे? पेरेंट्स के कहने पे। पेरेंट्स के कहने पे डॉक्टर बन रही हैं? क्या बनना चाहती हूँ? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को परस्यू करना चाहती थी। मेरी जो बड़ी बहन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो मुझे लगता था कि मुझे उनसे अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसको लेकिन उनको देख के अपने करियर को अच्छे से परस्यू कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मेरी एल्डर सिस्टर जो है उनको फोर्स किया कि वो मेडिकल की फील्ड में आए, लेकिन उन्होंने तो FSC में कह दिया कि मैं बिल्कुल भी इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती और आप मुझे फोर्स नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली वो प्रेशर भी मेरे पे ही आया कि मुझे अब इस करियर को लेकर चलना है। लेकिन अब मैंने मेडिसिन में लाइक मेडिकल फील्ड में आने के बाद ये रियलाइज़ किया कि समटाइम्स पेरेंट्स आपको ठीक भी लाइक सजेशन दे रहे होते हैं, क्योंकि वाकई में उनको पता था मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन थर्ड ईयर ऑफ MBBS और मैं बहुत अच्छे से अपना जो करियर है वो लाइक परस्यू कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स फोर्स करते हैं, लेकिन समटाइम्स वो राइट भी होते हैं, उनको पता होता है कि उनका बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा जा सकता है। क्यों इतना क्या क्यों पढ़ना पड़ता है इतना? ये तो ऑब्वियसली प्रेशर तो होता है, हमारा सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा होता है और हेक्टिक रूटीन, वार्ड्स में जाना होता है, पेशेंट्स को अटेंड करना होता है, ज़्यादा सिलेबस होता है और 5 साल होते हैं फिर भी वो सिलेबस लाइक इतना ज़्यादा लग रहा होता है। 5 साल कम है ना, बाहर के मुल्क में अगर फॉरनर कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पर तो 10 to 11 ईयर्स का होता है कोर्स MBBS का। 5 साल में डॉक्टर तैयार रह रहे हैं, क्या क्रैमिंग क्रैमिंग का मतलब यहाँ। लेकिन जो हफ्सा का जो आपका एक आपने एक बात किया है कि पहले आप नहीं बनना चाहते थे, बट जब आपके पेरेंट्स ने कहा और आपको रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे अंदर ये वाली सलाहियतें हैं कि मैं आप डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, क्यों MBBS कर रहे हैं? बेसिकली जो हमारी फैमिली है ना उसमें यह है कि सबसे पहले मुझे बायोलॉजी का शौक़ था 9th क्लास से, तो देन जब हमने बायोलॉजी को आगे परस्यू किया तो देन मैट्रिक में बोर्ड टॉप हुआ, और जब बायोलॉजी को पढ़ने के बाद डैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि जब हम उसको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, उसके बारे में जान रहे होते हैं इंसान के बारे में, तो देन उसके बाद अगर FSC में प्री मेडिकल रखी हुई थी, देन उसके बाद उसका अगर फ्यूचर मेडिकल का डॉक्टर था MBBS। बेसिकली मेरा शौक साइंटिस्ट था बचपन से ही, यानी कि एक ना चीज़ों को एक्सप्लोर करना, तो देन मुझे MBBS की फील्ड ने एक रिसर्च का मौका दिया और वो भी ह्यूमन पे, क्योंकि ह्यूमन में जब हम देखते हैं कि लोग हील हो रहे होते हैं और फिर वो कुछ दिन के बाद स्वीट्स के साथ आपके पास आ रहे होते हैं वो, और उनका उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस मिल रही होती है, तो वो जो एक फीलिंग होती है आई गेस 2000 में आप केमिस्ट्री फिजिक्स इस तरफ क्यों नहीं गए? बेसिकली वो जो एक होता है ना एक आम कॉमन पर्सन को सब समझाने के लिए ना, वो समझते हैं कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया के अंदर। अब एटम है या न्यूक्लियस है तो वो हमने आँख से देखा भी नहीं होता, हम उसको बिलीव नहीं कर रहे होते, तो ऑल दो थिंग्स एग्जिस्ट, बट जो मेडिकल है एक इंसान बीमार है आप उसको मेडिसिन से ट्रीट कर रहे होते हैं,
آپ اس کی کوالٹی آف لائف واپس کر رہے ہوتے ہیں. اس کو یہ ہے جس میں نا دنیا بلیو کرتی ہے, پلس یہ کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ڈاکٹر اور انجینئر کو کافی ایک نوبل فیل سمجھا جاتا ہے. وی ہوپ کہ پیرنٹس کی اور ٹیچرس کی اور اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ رہنمائی ہوگی آپ آج کے ہمارے اس شو سے. اللہ بائے بائے.